के नीचे खड़े होकर एक मुत्तहिद होने के लिए हमारे देश को एक सबूत दिया। और ख़ास तौर से टीपू नौजवान कमेटी जो चामुंडी नगर के अंदर है, इन्होंने जो इंतज़ाम किया, चाहे कव्वाली का हो, मैंने कोलार में भी एक मरतबा कहा था हमें हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहिए हमारे हिंदू भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, हम चाहे वो कव्वाली के ज़रिए से हो या नातों के ज़रिए से हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाती उनकी शान मुबारक में हो, हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गुज़ के हैं कि भाई हिंदुस्तान की चीज़ को हमें किस तरह मुत्तहिद होकर हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। ये मेरी बहुत बड़ी खुशी की चीज़ है कि सारे मुसलमानों ने, हिंदुओं ने मिलकर एक निशान के ज़रिए से ये साबित कराना चाहते हैं कि मुसलमान एक हैं, हिंदू भाई भी एक हैं, ये देश हमारा है। बाजू की गली में हिंदू रहता है, इधर गली में क्रिश्चियन रहता है, बीच गली में मुसलमान रहता है। यहाँ MLA साहब को भी, यहाँ के काउंसलर साहब को भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी इस चीज़ में बहुत हिम्मत अफजाई की ताकि लोगों को यहाँ पर परमिशन दिया ताकि लोग एकजुट होकर कव्वाली को सुने और नातों के ज़रिए से सुने। हर बार मैंने कई पार्टियों को भी कहा कि जो हमारा बचपना था, मंदिर की आवाज़ें सुनकर, चर्चों की घंटी की आवाज़ें सुनकर और अजानों की आवाज़ें सुनकर, एक दूसरे सुनकर बड़े हुए हैं, लेकिन उस वक्त कोई एतराज़ नहीं था ना हिंदू भाइयों को, ना मुसलमान भाइयों को, ना क्रिश्चियन को। हाँ, कुछ लोग फिरका परस्त हैं जो हिंदू भाइयों के अंदर भी हो, मुसलमान के अंदर भी हो, मुसलमान के अंदर भी एक दो गलती करने से सारे मुसलमान बदनाम नहीं होते, सारे हिंदू भाइयों के अंदर एक दो शरीर लोग होते वो करने से वो हिंदू भी बदनाम नहीं है, लेकिन वो भी मोहब्बत को आगे पेश करना चाहते हैं। मैं ये पैगाम सारे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ, उस वक्त अजान से, उस वक्त मंदिर की घंटियों से, उस वक्त चर्च के कैंडलों से कोई एतराज़ नहीं था, तो आज भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। हम इन चीज़ों को किनारा कर कर हमारे देश को आगे ले जाना चाहिए। चामुंडी नगर और सारे RT नगर और सारे बेंगलोर और सारे कर्नाटक और सारे हिंदुस्तान के नौजवानों को एक बात बोलता हूँ, हमारे जैसे नौजवान को इस वक्त देश को बहुत ज़रूरत है। अगर नौजवान हिम्मत आगे कर कर, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन छोड़कर, अगर मुसलमान ही नहीं, हर एक नौजवान हर कौम का अगर आगे बढ़े तो इंशाअल्लाह मोदी जी से आगे हम हिंदुस्तान को ले जा सकते हैं। शुक्रिया। कोई प्रोग्राम कर नहीं पाए थे, अल्लाह का करम है, इस बार यहाँ पर एक बहुत ज़ोर और शोर से ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। ईद का माहौल है, चामुंडी नगर जो एरिया है इसमें बहुत से मानने वाले लोग हैं जो इस प्रोग्राम में आते हैं, और संदल के बाद गश्त होता है, गश्त फिर वापस आकर निशान चढ़ाया जाता है, उसके बाद खाना खिलाया जाता है, उसके बाद कव्वाली का प्रोग्राम है। जहाँ आज इंसान पैगाम बस यही है कि अगर फिरका परस्त लोग तो उनका काम यही है कि हिंदू मुसलमान को अलग करे, पहचान दिखाने की कोशिश करे कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह का करम है इस मोहल्ले में हम लोग पूरे भाईचारे ही हैं। हमारा MLA बैठती सुरेश भी अभी आकर गया है, और यहाँ पर जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सब मिलकर ये प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पर 2-3 प्रोग्राम होते हैं, मिलाद का प्रोग्राम होता है, टीपू सुल्तान शहीद की शहादत का दिन होता मनाया जाता है, और ये 11वीं भी होती है। यहाँ पे यहाँ से मैसेज इतना ही हम कहेंगे कि दूसरे लोगों को कहना चाहेंगे कि अपने आप मोहल्लों में आपके जो गैर कौम जो लोग हैं, जो भाई हैं, उनसे आप मिलकर रहें, साथ में रखें, हमारे प्रोग्राम को इनवाइट करें, उनके प्रोग्राम में जाएं। ऐसा ना हो कि आप उनका त्यौहार है आप नहीं गए। यहाँ पर हमारे मोहल्ले में गणेश का भी त्यौहार होता है, बहुत बड़ा एक रैली निकलती है, रात भर उनके तोशे निकलते हैं, हम लोग पूरे कमेटी वाले, मस्जिद कमेटी वाले, नौजवान कमेटी पूरे मिलकर रात भर साथ में रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, तो भाईचारगी का एक पैगाम यहाँ से हर साल जाता है, अमन शांति है।